अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसीब है और आज मैं अपने नई वीडियो लेकर आया हूँ। हाउ कैन वी फाइंड द डिटेल्स ऑफ द कंपनी पार्ट वन। सो लेट्स वी हैव टू गो। हाउ कैन वी फाइंड द डिटेल्स ऑफ द कंपनी, हम किस तरह से कंपनी की जो डिटेल्स हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। ये लेक्चर 7 एंड पार्ट 1 है और इस कंपनी की हम जो डिटेल्स फाइंड करेंगे मुख्तलिफ तरीकों से, इसके पार्ट 3 है, तीन तरीके होंगे, ठीक है। ये जो तरीका पार्ट वन है, इसमें आप कंपनी के नेम्स के थ्रू कंपनी की बाकी डिटेल्स को फाइंड करेंगे। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। जब तक लैपटॉप की स्क्रीन ओपन हो रही है, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो अब आप देख सकते हैं कि स्क्रीन ऑन हो चुकी है। तो मैं यहाँ से सिंपल आपका जो पेज वाली शीट है वो ओपन कर रहा हूँ। ये ओपन मैं कर चुका हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही जो कंपनीज हैं, जो थ्री कंपनीज का डाटा आपने जो सबसे पहले आपने फाइंड किया था, इन्हीं को मैं कॉपी करके एक या दो रो छोड़ के मैं नीचे इनको पेस्ट कर रहा हूँ। अब हमारे पास ये कंपनीज है, ठीक है, ये तीन कंपनीज है, ये हैं तीन कंपनीज। अब मैं इसमें से पहला जो नाम है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। इससे हमें पहला जो डाटा चाहिए वो है कंपनी की वेबसाइट। मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, मैं इसे कॉपी करके कंट्रोल टी कर रहा हूँ, न्यू टैब ओपन हो जाएगा। न्यू टैब ओपन हो रहा है तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसका नाम जो है उसको मैं पेस्ट करके एंटर कर दूंगा। जैसे ही एंटर कर दूंगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है। इसकी ये जो पहली पहली ये लिंक आया हुआ है, ये वेबसाइट है इसकी अपनी, ठीक है। हम इसको मैच करेंगे इंशाल्लाह, यहाँ पर भी सेम ही होगा। यहाँ पर है guardian1821.co.uk, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट डिफरेंस है। हाँ, ये देखें, ये वो वाली भी है, ये वाली भी है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो जिस तरह मेरा ये है guardian1821.co.uk, एक्चुअली इसकी वेबसाइट ये वाली जो हमने वहाँ पे डाली हुई है, ठीक है, शीट में एंटर की हुई है। तो आपने कुछ करना कुछ नहीं, सिंपल आपने इसके नाम के ऊपर क्लिक कर देना है जो नाम मैच हो रहा होगा। मैं अकॉर्डिंग टू जो हमने पहले इसका डाटा एंटर किया हुआ उसके मुताबिक चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये लोगो भी सेम है और सेम वही कंपनी है। तो ये मैंने इसका जो है वेबसाइट ओपन कर लिया। तो यहाँ से ऊपर से आप इसका ये यूआरएल या इसकी जो डोमेन है इस तरह है ना, सिंगल क्लिक करेंगे इसके ऊपर जाके तो ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा। इसे आपने कंट्रोल सी से कॉपी करके शीट में आना है। शीट में आके इसके आपने कंपनी वेबसाइट में एंटर करके पेस्ट करना है, सेम डोमेन है, ठीक है। तो अब आ जाती है जी जी कॉलम है जी कंपनी का लिंक। अब हमें इसी कंपनी का लिंक्डइन फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आप जो है इसकी ये जो वेबसाइट है इसको अच्छी तरह देखेंगे। यहाँ पे कहीं पे इसकी जो सोशल मीडिया इसके साथ टच होगा, मतलब उन्होंने अटैच किया होगा, तो वो जो सोशल मीडिया अटैच है वहाँ पर लिंक्डइन होगा। अगर लिंक्डइन नहीं है तो फिर मैं मजीद आगे देख के आपको बताऊंगा। यहाँ पर इसका लिंक्डइन नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई और सोशल मीडिया दिया गया है। हम फिर भी इसको अबाउट अस में जाके इसका जो अबाउट अस है वहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं, है मुमकिन है कि यहाँ पर गिवन हो, लेकिन नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे इस सूरत में कि आपको वेबसाइट से लिंक्डइन या फेसबुक या इसका कोई चीज़ नहीं मिल रही, तो फिर आप क्या करेंगे, सिंपल आपने इसकी जो डोमेन है, डोमेन का हिस्सा मैंने आपको बता दिया। अगर किसी को नहीं पता डोमेन का, तो इससे जो पिछली वीडियो डिफरेंस बिटवीन जो आर एल लिंक एंड डोमेन वो वीडियो जाकर देख लें, आपको डोमेन का पता चल जाएगा, ठीक है। सिर्फ डोमेन का नहीं, यूआरएल का भी और लिंक का भी। तो यहाँ से मैं ये इसकी ये जो डोमेन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने इसकी डोमेन को कॉपी कर लिया, कंट्रोल टी करके न्यू टैब में यहाँ पे इस तरह से डबल कोटेशन लगा के फिर यहाँ पे इसे इस तरह से पेस्ट करेंगे। फिर आगे इसके आप लिखेंगे, इसके आगे आप लिखेंगे, हमने अब लिंक्डइन फाइंड करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिंक्ड इन, ठीक है। लिंक्डइन जैसे ही हम लिखेंगे तो आप ये पहला पहला ये एरिया देख सकते हैं, जितना ये मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये guardian1821.co.uk, मतलब सेम डोमेन है, तो इसका मतलब यही इसका लिंक्डइन है। ऊपर नाम भी सेम आ रहा है, गार्डियन फाइनेंशियल सर्विसेज। तो सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसका लिंक्डइन ऑन होना शुरू हो चुका है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हम पहले यहाँ पे अगेन मैं जा रहा हूँ, ये कंपनी का लिंक्डइन है, ठीक है, ये है कंपनी का लिंक्डइन।
हमें चाहिए। तो लिंक्डइन यूआरएल कौन सा होता है? लिंक्डइन यूआरएल होता है बेसिकली ये वाला, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, इससे आगे इन्हीं कंपनीज का जो आप नई कंपनीज चूज करेंगे मैं आपको बताता हूँ आपने कंपनीज कहाँ से ढूंढनी है ज़्यादा सारी, ठीक है। तो ये जो है इस सेम इसी तरह फिर आपके ने इसके आगे इसका एड्रेस फाइंड करना है, क्या सेम इसी तरह इसके आगे आपने एड्रेस फाइंड करना है। मैंने एड्रेस की वीडियो जो है पार्ट टू, मतलब ये दो पार्ट्स में कन्वर्ट करके आई थिंक सो सॉरी एक ही पार्ट है एड्रेस का, वो इस पूरे कोर्स में है, पहले वो वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, जाकर पहले वो देखें, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी जो ये एक मैंने आपको करके दिखा दी है, बाकी दो आपने खुद करनी है, बल्कि आपके पास ज़्यादा सही होगी आपने खुद करनी है, ठीक है। तो कंपनी के नेम्स आप किस तरह फाइंड करेंगे? आप कहते हैं कि आप कंपनी के नेम्स हम कहाँ से लिखाएँ, ये तो सिर्फ दो तीन है। तो आपने करना क्या है, आपने न्यू टैब में आना है, यहाँ पे आपने लिख देना है लिस्ट ऑफ लिख के आगे आप कर दें जी कंस्ट्रक्शन कंपनीज कर दें, या किसी भी किस्म की कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज कर लें, ग्राफिक्स कंपनीज कर लें, किसी भी किस्म की आप कंपनीज कर लें, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ कंस्ट्रक्शन कंपनीज, लिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन USA, ये देखिए ये थर्ड है जो सजेशन आ रही है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, यही है लिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन USA। और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखिए यहाँ से भी आ रही है, सिर्फ ये नेम्स आ रहे हैं, आप यहाँ से नेम्स कॉपी करके इसका डेटा फाइंड कर सकते हैं। और इसके बाद ये है ये वाला लिंक मैं ओपन कर रहा हूँ, जब तक लिंक ओपन हो रहा है तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंटिंग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आप देख सकते हैं ये कंपनीज के नेम्स आ गए हैं, ठीक है। बाज अवकात होता है कि वेबसाइट्स के ऊपर भी उसकी जो है ना इसी तरह की जो भी आप क्यूरी लगा के कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो जो वेबसाइट है वो वेबसाइट जो है उनकी डोमेन्स भी साथ प्रोवाइड करती है, बाज अवकात अकेले नेम्स भी होते हैं, आई थिंक सो इसके सिर्फ ये नेम्स है। तो आपने सिंपल नेम को इस तरह से कॉपी करके यहाँ से शीट के अंदर आके नीचे आपने पेस्ट करना है, पेस्ट करके आपने सेम उसी तरह से जो है कि कंट्रोल सी करके यहाँ पर पेस्ट करके इसकी वेबसाइट निकालनी है, देखें ये वही चीज़ है, ये सबसे ऊपर इसकी वेबसाइट आ गई, यहाँ से आपने इसकी वेबसाइट को, यह अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसकी वेबसाइट को यहाँ से आपने कॉपी करके यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। फिर आप आ जाते हैं इसके लिंक्डइन पे, सेम इसी तरह जो है आप यहाँ पर इसको देखेंगे कि इसका सोशल मीडिया जो अकाउंट्स है कहाँ पर अटैच है, देखिए ये नीचे इसके सारे के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स अटैच हैं, तो हमें जाना है लिंक्डइन पे, लिंक्डइन पे गए और ये इसके लिंक्डइन ऑन हो रहा है, आपने सिंपल क्या करना है इसका ये लिंक्डइन द्वारा कॉपी करना है, यूट्यूब बैच होना चाहिए इसे पेस्ट करना, ठीक है, सिर्फ इतना सा काम है। तो आप वीडियो का एंड हो चुका है, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट्स भी।